मां बराला देवी, मां पाटखंडा और नारायणी मंदिर को मैं आस्था पूर्वक नमन करता हूं। और कल से ही यहां मां नारायणी का उत्सव शुरू हुआ है। मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज मेरा सौभाग्य है कि कंधमाल आते ही मुझे ऐसे आशीर्वाद मिले हैं जो मैं जीवन भर भूल नहीं सकता हूं। और ये आशीर्वाद पूरे देश में क्या परिवर्तन आ रहा है, कैसा परिवर्तन आ रहा है, उसका एक साक्षात उदाहरण है। एक माताजी ने आकर के मेरा स्वागत सम्मान किया। जब मैंने उनके विषय में जाना तो मैं भाव विभोर हो गया। ये वो माता है तुला बेहरा जी, जिनके पास अपना कुछ नहीं है। मुझे बताया गया कि वो भिक्षा मांगती है और तुला बेहरा जी ने भिक्षा मांग करके 1,00,000 रुपया इकट्ठा करके भगवान जगन्नाथ जी के चरणों में दिया। खुद को मैंने पूछा, कोई जरूरत है क्या, आप कुछ चाहती हो क्या? नहीं, बोले बस जगन्नाथ जी का आशीर्वाद चाहिए। ऐसा जिनका पवित्र मन है, ऐसा जिनका त्यागपूर्ण जीवन है, ऐसी मां मुझ जैसे बेटे को आशीर्वाद देने के लिए आ जाए, फिर तो मुझे लगता है पूरे कंधमाल के आशीर्वाद, पूरे उड़ीसा के आशीर्वाद मेरे साथ है। आज मेरा एक दूसरा सौभाग्य था। आज पूर्णामासी जानी शीघ्र कबीर के रूप में जानी जाती है। उड़ीसा में जो ग्रामीण भाषा है, जो ट्राइबल की बोलचाल की भाषा है, उसमें वो शीघ्र कविताएं बनाती है। साहित्य को उन्होंने पचाया है और मेरा सौभाग्य है कि हमें उनके पद्म अवार्ड देने का सौभाग्य मिला है। आज मुझे यहां तार उड़ा करके उनको सम्मानित करने का अवसर मिला, लेकिन वो मुझे अपने पैर नहीं छूने देती थी। बड़ी मुश्किल से मैंने उनके पैर छुए, वो मुझे रोक रही थी। ये जो हमारे यानी एक प्रकार से मातृशक्ति का साक्षात रूप, दोनों माताएं जब इस बेटे को आशीर्वाद देती है तो देश की करोड़ों करोड़ों माताएं, उनके आशीर्वाद जो मुझे मिलते हैं, मेरे मन को एक समाधान होता है। मैं हृदय से इन दोनों माताओं का श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, कल शाम मैं भुवनेश्वर पहुंचा था।
और कल की शाम भुवनेश्वर की शाम क्या अद्भुत नजारा था। क्या अपार जनसमूह था। सड़कों पर अबाल वृद्ध सब, छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग माताएं, सड़कों पर आकर के हजारों लोग आशीर्वाद दे रहे थे। मेरे लिए उड़ीसा का ये स्नेह, उड़ीसा का ये प्यार कितनी बड़ी ताकत का और भगवान जगन्नाथ जी के चरणों में मिलने वाले आशीर्वाद। सचमुच में मैं आप सबका जितना आभार व्यक्त करूं कम है। मैं उड़ीसा के लोगों का ऋणी हूं। आपने मुझे कर्जदार बना दिया है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं ये कर्ज, आपके प्यार का कर्ज, आपके आशीर्वाद का कर्ज, जो मेरे लिए ताकत बन गया है, मैं ये कर्ज ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके, देश की सेवा करके चुकाऊंगा। और साथ साथ उड़ीसा को देश में एक विकसित राज्य बनाने के लिए दिन रात मेहनत करके चुकाऊंगा। साथियों, 26 साल पहले आज के दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, उनकी सरकार ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था और हमने ये दिखा दिया था कि देशभक्ति से ओतप्रोत सरकार देश हित के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश के लोगों की आशा अपेक्षा के लिए कैसे काम करती है। और मुझे याद है जब अटल जी की सरकार ने पोखरण परीक्षण किया था, दुनिया भर में जितने भारतीय समुदाय रहता था वो गर्व की अनुभूति करता था। और आजादी के बाद पहली बार विदेश की धरती पर लोग उनकी तरफ सम्मान की नजर से देखते थे। वो परमाणु परीक्षण की इतनी बड़ी ताकत थी। साथियों, एक वो दिन था जब भारत ने दुनिया को अपने सामर्थ्य का परिचय करवाया था। और दूसरी तरफ एक कांग्रेस की सोच, कांग्रेस बार बार अपने ही देश को डराने की कोशिश करती है। वो कहते हैं संभल के चलो, पाकिस्तान के पास एटम बम है, पाकिस्तान के पास एटम बम है, पाकिस्तान के पास एटम बम है। ये मरे पड़े लोग ये देश के मन को भी मार रहे हैं जी। और कांग्रेस का हमेशा ऐसा ही रवैया है। ये जो पाकिस्तान के बम 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 की बातें करते हैं ना, आज तो पाकिस्तान का हालात यह है कि बम को संभालना कहां, वो भी उसके बस का रोग नहीं है। अब तो वो बम बेचने के लिए निकले हैं, कोई खरीदने वाला मिल जाए। और लोगों को मालूम है क्वालिटी में दम नहीं है, वो माल भी बिकता नहीं है।
भाइयों बहनों, कांग्रेस के इसी कमजोर रवैये के कारण जम्मू कश्मीर के लोगों ने 60 साल तक आतंक भुगता है। देश ने कितने ही आतंकी हमले झेले हैं, देश भूल नहीं सकता कि आतंकियों को सबक सिखाने के बजाय ये लोग आतंकी संगठनों के साथ बैठकें करते थे। 26/11 के मुंबई के भयंकर आतंकी हमले के बाद इन लोगों की हिम्मत नहीं पड़ी कि आतंक के सरपरस्तों को पर उन पर कार्रवाई करें। और क्यों? क्योंकि कांग्रेस को, इंडी गठबंधन को लगता था कि अगर हम कार्रवाई करेंगे तो हमारा वोट बैंक नाराज हो जाएगा। मैं आज कांग्रेस को दो टूक कहूंगा, भारत का मुसलमान कांग्रेस की जो हरकतें हैं उन हरकतों से वो इधर उधर जाएगा तो मानने की कोशिश मत कीजिए। और भाइयों बहनों, ये कांग्रेस के शहजादे आए दिन बनायनबाजी ठोक रहे हैं। आप उनके 2014 के चुनाव के भाषण देख लीजिए, 2019 के चुनाव भाषण देख लीजिए और 2024 के चुनावी भाषण देख लीजिए। वो ही स्क्रिप्ट पढ़ते जा रहे हैं और अभी चैलेंज कर रहे हैं। आप लिख के रखिए, मेरे देशवासियों, हिंदुस्तान ने मन बना लिया है कि इस बार एनडीए 400 पार करने वाला है। भाजपा अपने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ करके ज्यादा से ज्यादा सांसद के साथ आने वाली है। और कांग्रेस वाले ये भी लग रहे कि इस चुनाव में कांग्रेस को लोकसभा की कुल संख्या के 10% चाहिए मान्य विपक्ष बनने के लिए। कांग्रेस वाले जरा कान खोल करके सुन लीजिए, ये देश ने तय किया है। ये 4 जून को आप देखेंगे कि कांग्रेस इस देश में मान्य विपक्ष भी नहीं बन पाएगा, वो 50 से नीचे सिमटने वाले हैं। भाइयों और बहनों, ओडिशा के आप सभी लोगों के लिए ये चुनाव बहुत अहम है। विकसित ओडिशा, विकसित भारत के संकल्प के लिए आपका हर वोट जरूरी है। आपका एक वोट यहां डबल इंजन की बीजेपी सरकार बनाएगा।